हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप सारे बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आप देख रहे होंगे अभी रात हो रही है और मैं व्लॉग कहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जी हाँ, तो गाइस अभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं जो है जिम के बाद सीधा जो है एक पार्टी हॉल पे आया हूँ। जी हाँ, फार्म में आया हूँ एक अपने बड़े भाई के साथ। जैसा मैंने आपको दिखाया था, मेरे जिम के जो है ट्रेनर हैं, जिम के मालिक हैं, जिम के ओनर हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के ओनर हैं तो मैं भाई इनके साथ आया था आज फार्म पे। मैंने कहा थोड़ा जो है हॉल देख लेते हैं, जो है ना इनका जहाँ पे मैं आया हूँ ना, इनकी यहाँ पे पार्टी है ना, आपका इवेंट होता है इवेंट, हाँ ये ना इवेंट ऑर्गेनाइजर करते हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि आज मैं बड़े भाई के साथ थोड़ा देख लूँ कैसा फार्म है, कहाँ है, कहाँ नहीं है। तो मैं जो है अब अंदर ले चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको फार्म दिखाता हूँ, साइड डिटेल दिखाऊंगा पूरी वीडियो के एंड में। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये हो जाएगी गाइस एंट्री, देखो एंट्री भी कितनी अच्छी है। ये अब यहाँ से एंट्री हो जाएगी, यहाँ से आप अंदर घुस सकते हो। चलो चलते हैं अंदर। तो गाइज़ अब मैं जो है आगे जितनी भी म्यूज़िक बज रहे होंगे ना वहाँ पे यूट्यूब लाइब्रेरी से जो है म्यूज़िक डाल दूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, आपको पता ही है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, जैसा आप सुन ही रहे होंगे मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। और अब जो है डालते हैं म्यूज़िक, डालते हैं यूट्यूब लाइब्रेरी से लेके, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। अब जैसे आप बच्चों की बर्थडे पार्टी वगैरह कराते हैं तो आप ये भी लगवा सकते हैं। देखो झूले वूले जो है ये बच्चों को जो है इन्जॉय कर लेते हैं बच्चे वगैरह लोग। अब यहाँ से ऊपर जो है आपका, मैं दिखाता हूँ, स्टेयर जो है ऊपर जा रही है ये डिनर हॉल के लिए। तो जो है ऊपर भी जा सकते हैं हम डिनर हॉल में खाने पीने के लिए। अब देखिए आप यहाँ का स्पेस देखिए, यहाँ पे जो है स्नैक्स वगैरह लगते हैं यहाँ पे, है ना बड्डे भाई, हाँ यहाँ स्नैक्स वगैरह लगते हैं। और ये देखिए यहाँ का जो नाम है बैंड बाजा बारात, ठीक है, नाम भी देखिए कितना यूनिक रखा हुआ है इन्होंने, बैंड बाजा बारात। मूवी आई थी ना बैंड बाजा बारात की, वो उन्होंने ये वाला नाम रख लिया इन्होंने, बाकी ठीक है। देखो अब ये बच्चे वगैरह यहाँ थोड़े बहुत जो बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं और माहौल भी ठीक है यहाँ का। ये देखो अब चलते हैं, फिर ऊपर चलते हैं फ़िलहाल अभी तो, ठीक है, देखते हैं कि डाइनिंग हॉल कैसा है, डिनर हॉल कैसा है, जल्दी ऊपर चलते हैं फिर। जैसा आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टेयर्स पे भी जो है ग्रास सही बिछाई हुई है, जिससे ताकि बंदा जो है ना फिसले ना, जैसे स्टेयर पे जो है स्लिपरी हो जाते हैं ना, तो ये सही है, इससे बंदा फिसलेगा नहीं। अच्छा यहाँ ऑलरेडी है, ये आ गए गाइस हम ऊपर डाइनिंग हॉल पे। डाइनिंग हॉल भी बड़ा है भाई, है ना, अपना आराम से आई जाएंगे, बंदे तो बहुत आ जाएंगे। हाँ आराम से आ जाएंगे बंदे यहाँ। गाइस ये देखो हॉल भी एकदम ओके है, मतलब 200 बंदे आराम से आ जाएंगे, है ना। अब क्या खाओगे बड्डे भाई, आप क्या खाओगे? मैं तो हरा भरा कबाब, हाँ, और फ्रेंच फ्राइज। हरा भरा कबाब, हरा भरा कबाब, फ्रेंच फ्राइज। चलो अभी तो स्टार्टर में ये लेंगे, अभी फिर बाकी खाने का देखेंगे। वैसे आप, वैसे गाइस मैं ना आज जो जिम गया था ना, मैंने जिम आज करी नहीं है फिलहाल, क्योंकि मेरे जो है बड़े भाई कह रहे थे कि आज जिम मत करिए, मेरे साथ चलिए, मैं तुझे अपना फार्म दिखाऊंगा। तो मैं इसलिए अभी जो है जिम के कपड़ों में भी फार्म में आ गया हूँ तो देखने, क्योंकि मेरे को भी जो है ना पार्टी वार्टी करनी है अपनी, मेरी बहन का जो है बर्थडे, तो मैंने कहा यहीं पे सेलिब्रेट करूंगा। तो भाई का जो काम है ना, वैसे फार्म का इवेंट का काम था ना भाई आपका, जैसा मैंने आपको, हाँ आपको लास्ट टाइम दिखाया था।
कल खुशी जी आ रही है। वो भी आ रही है। गाइस आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे, वो खुशी जी के साथ मेरी फोटो थी, मैंने मॉडलिंग करी थी। आज और लगाना स्टेटस है। हाँ आज और लगाऊंगा स्टेटस व्हाट्सएप पे। तो गाइस अब देख लेते हैं जो इन्होंने जो है खाने के लिए मंगवाया, पहले वो खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। मैं तो पूरा जो है हॉल घूम चुका हूँ, पार्टी हॉल पूरा घूम चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा है और बहुत सस्ते में भी बुक होता है। अगर आपको गाइस कल को कभी कोई पार्टी वगैरह रखनी हो, बर्थडे वगैरह कोई हो घर में, कुछ सेलिब्रेट करना हो, तो आप जो है मेरे भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे को जो है आप DM कर सकते हो, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, इनका नंबर दे दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा। तो हम बैठ गए भाई, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, ठीक है। हमारे भाई तो खा रहे हैं, बाकी देखते हैं भाई क्या लेके आए हैं अपने लिए और हम क्या खाने वाले हैं। आइए पहले तो ये देखो, अब ये सारा खाली हो चुका है, अब हम आराम से बैठ चुके हैं इसके आगे ठंडी ठंडी हवा में। और बड्डे भाई क्या खा रहे हो भाई? दाल मखनी है। दाल मखनी है, वेज है। अच्छा, लबाबदार शाही पनीर। अच्छा, मलाई कोफ्ता। हाँ, सैलेड हो गया। मिस्सी रोटी, मिस्सी राइस मंगाए मैंने, राइस मंगवाया अभी, ठीक है। तो फिर पहले ये खा लेते हैं ना, फिर बाद में कुछ और देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई। हमारे बड्डे भाई जो है आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं गुलाब जामुन ले लूँ। तुम नहीं खाओगे भाई? गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? ये मैंने आपके लिए निकाला है। अच्छा, मेरे लिए निकाला है, थैंक यू सो मच। और तुम आइसक्रीम खाओगे? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। चलो ठीक है, पहले मैं ये खा लेता हूँ। वैसे तो मैंने मीठा छोड़ा हुआ है, एप्स बना रहा हूँ, लेकिन खा लेता हूँ, आप तुम्हारे साथ आए ना, खा लेता हूँ। तो बड्डा भाई बताओ मेरे को कि आपके जो फार्म में इवेंट में आपका क्या काम रहता है, मेन क्या काम रहता है इवेंट में? ऐसा है, वेटर्स हो गए, वेटर्स गर्ल्स हो गई, बाउंसर हो गए, गनमैन हो गए, अच्छा, अदरवाइज कैटरिंग हो गई, और हमारा चाट वगैरह का ये फुल इवेंट करता हूँ मैं। अच्छा, डेकोरेशन भी करता हूँ घरों में भी, जैसे डेकोरेशन करवानी है मेहंदी का, सगाई का। अच्छा अच्छा, ऑल इवेंट है मेरे पास। अच्छा, मतलब आप जिम के साथ साथ ये काम भी हो? मेरा ये काम भी करते हो? ठाकुर इवेंट्स के नाम से है। अच्छा, ठाकुर इवेंट्स। हाँ, ठाकुर इवेंट्स। अच्छा, मतलब किसी भी लोकेशन में आप करवा सकते हो? हाँ, किसी भी लोकेशन में। ठीक है ठीक है। दिल्ली NCR में ज्यादातर कर रहा हूँ। तो आपके अंडर कितने वो आते हैं भाई, ये जो है फार्म कितने आते हैं? कम से कम 12-13 फार्म तो मेरे पे पर्सनल अपने पास हैं। अच्छा, 12-13 मेरा ही चलता है। अच्छा, बाकी और होंगे? और भी हैं। हाँ। जैसे अब कोई राजनगर में निकल जाता है वो, हाँ, समझ लो 1.5-2 होता है। हाँ हाँ हाँ, बागपत हो गया, हाँ, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, ये कभी दूर दूर तक भी है। अच्छा, तो बढ़िया है यार। गाइस आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि यार कितने मेहनती बंदे हैं हमारे बड्डे भाई, जिम भी संभाल रहे हैं, इवेंट भी संभाल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें संभाल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसा बताया हुआ पहले ही कि मेरे को मेहनती बंदे जो है बहुत पसंद है, मेरे को उनके साथ रहना अच्छा लगता है और मैं भी चाहता हूँ कि मैं पूरा दिन मेहनत करूँ, ठीक है। हमारे वरुण भाई भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो चाहूँगा कुछ ऐसा एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ जो वरुण भाई के संग हो। हाँ, मैं भी कल आने वाले टाइम के मेरे पार्टनर होंगे वरुण भाई। मैं भी जो कल को काम करूँगा ना भाई, इनके साथ करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को ऐसे बंदे, मेरे को आपको बताया हुआ है कि मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बंदे भाई। ऐसे बंदे कामयाब होते हैं और ये कामयाब है, और कामयाब बंदों के साथ काम करने का मजा ही अलग होता है भाई। हाँ, बड़ों का आशीर्वाद है, ठीक है ना। तो चलो बड़े भाई आगे चलते हैं फिर। ऊपर से तो हमने आपको डिनर हॉल दिखा दिया, अब हम नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए जो सामने खड़ी हैं, ये मैडम यहाँ पे जो है एंकरिंग कर रही थी, एंकर हैं यहाँ पे। निकलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकलने से पहले जो है एक बार हम अपने बर्थडे भाई से, रोहित भाई से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जो है बर्थडे सेलिब्रेट होता है और क्या क्या सेलिब्रेट होता है और क्या क्या बजट में होता है और क्या प्राइस होता है। चलते हैं बर्थडे भाई के पास। हाँ बर्थडे भाई, तो थोड़ा बताओ यार इसके बारे में, बैंड बाजा बारात के बारे में। ये हमारा नीचे बैठक है, हाँ, जिसमें की स्टेज भी है, हाँ, और 80 बंदों की बैठक है। अच्छा, डिनर हॉल है। अच्छा, ये हमारा, वो तो अभी हमने देख लिया, ये चाट एरिया वगैरह सब आपको। हाँ, अब आप मुझे ये बताओ बर्थडे भाई, इसमें जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट के साथ साथ और क्या क्या सेलिब्रेट होता है? सेलिब्रेट मेहंदी, हाँ, सगाई, रिंग सेरेमनी। अच्छा, शादी। हाँ, 200 बंदों तक की शादी। अच्छा, का भी प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा, और क्या प्राइस वगैरह क्या रहता है भाई, अगर हमको ये बुक करना हो शादी के लिए? जैसे करते हैं तो 130,000 में। अच्छा, शादी के लिए 130,000 में, बस पूरी शादी हो जाएगी 130,000 में? अरे वाह। और जैसे मेहंदी सगाई वगैरह हो? मेहंदी सगाई वो पर्सन पे होता है, जैसे कोई 100% है। अच्छा, उसमें हमने कर दिया 80,000 में कर दिया। अच्छा, उसमें खाना भी हमारा होगा। अच्छा, डेकोरेशन भी पूरी होगी, वेटर्स होंगे, वेटर गर्ल्स होंगी, ये सब हमारा पूरा होगा। तो मेरे को तो मजा आ गया भाई,
70,000 रुपए भाई का नाम लेके आएगा उसके लिए भी 70,000 ऊपर से खाना वाना सब कुछ इसमें ही है ना, सब कुछ इसमें ही है, खाना कोल्ड ड्रिंक पानी सब। हाँ और ये पड़ता कहाँ है थोड़ा बताओ यार, गाजियाबाद में शालीमार गार्डन राजेंद्र नगर पड़ता है, राजेंद्र नगर। अच्छा शालीमार गार्डन राजेंद्र नगर में, बी केयर हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट, बी केयर हॉस्पिटल, बी केयर हॉस्पिटल के राइट है। ठीक है और नाम है इसका भाई बैंड बाजा बारात, जैसा आप लोग पीछे देख रहे होंगे। तो फिर गाइस अब निकलते हैं ना, आपको मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं और फिर इस ब्लॉग को जो है यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना बट भाई, यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस कल वाले ब्लॉग में। और चैनल पे नए हैं तो लाइक करना ना भूलना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना माँ बाप का ध्यान रखिएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।